प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में हमने अभी तक देखा कि एल्कीन्स से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह से एल्कोहल्स बनाए जाते हैं। आज हम देखेंगे हेलो एल्कीन्स से और कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल्स को बनाने का मेथड। हेलो एल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaOH, KOH और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड गिव एल्कोहल्स। जैसे हम रिएक्शन देख रहे हैं RX यानी अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, जब इनकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH एक्वस, KOH एक्वस या Ag2O मॉइस्ट के साथ में, तो हमें मिल रहा है ROH, NaX या KX या AgX, डिपेंड करता है हमने किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाई है। जैसे हम मिथाइल आयोडाइड लें और इसकी KOH से रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट मिलता है मीथेनॉल और KI। इसी तरह से इथाइल ब्रोमाइड लें और उसकी रिएक्शन Ag2O के साथ कराएं तो एज ए प्रोडक्ट हमें मिलता है इथेनॉल और सिल्वर ब्रोमाइड। हम ये प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहे थे। अगर हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, जैसे हमने लिया R2CHX, इसकी रिएक्शन कराई एक्वस KOH से तो बना R2CHOH यानी सेकेंडरी अल्कोहल। और इसी तरह से टर्शरी अल्काइल हैलाइड ली और इसकी रिएक्शन कराई एक्वस KOH से तो हमें मिला यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि साथ में हमें प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन भी मिलती है, क्योंकि एल्कोहल एल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करने लगते हैं। जो इनकी रिएक्टिविटी का सीक्वेंस होता है अल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्कीन्स का, वो होता है फॉर सब्स्टिट्यूशन टर्शरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल हैलाइड। अब चूंकि हमने अभी देखा कि ये जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड हमने ली, इसकी जब एक्वस KOH से रिएक्शन कराई तो हमें एल्कोहल भी मिले और साथ के साथ एल्कीन भी हमें मिली, यानी कि जो एल्कोहल की यील्ड है वो परसेंटेज यील्ड कम होगी। इसलिए इस यील्ड को बढ़ाने के लिए हम एक दूसरा मेथड काम में लेते हैं, और वो क्या है कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं हम CH3COOAg के साथ में, सिल्वर एसीटेट के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है प्रोडक्ट के रूप में, पहले हमें मिलता है ये इस तरह से एसीटाइल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ब्रोमीन का और AgBr निकल जाता है। अब जो ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला था, इसे यदि हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाएं तो फिर क्या होता है CH3CONa निकल जाता है और हमें मिलता है टर्शरी एल्कोहल। ये हम देख रहे हैं CH3 का होल थ्राइस COOH, ये प्रोडक्ट हमको मिलता है। तो इस तरह से हम एल्कीन की जो बनने की वजह से जो यील्ड कम हो रही थी वो इस मेथड में नहीं होगा और प्योरली हमें अल्कोहल ही मिलेगा। नेक्स्ट मेथड आता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स से किस तरह से, किन किन तरीकों से अल्कोहल्स बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला है कि इन कार्बोनिल कंपाउंड्स का अगर हम रिडक्शन कर दें तो क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा C पर और एक होगा कहाँ पर, ऑक्सीजन पर। तो इस तरह से जो ये CHO ग्रुप था ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। इसी तरह से अगर हम कीटोन्स ले रहे हैं R2CO और उसकी रिडक्शन अगर हम करवाते हैं तो इसी तरह से एक हाइड्रोजन जाएगा कार्बन पे और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, और इस तरह से हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। देखते हैं किन किन मेथड्स के द्वारा हम एल्डिहाइड कीटोन्स को या कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करवा करके अल्कोहल्स प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है रिडक्शन बाय सोडियम इथेनॉल। इस मेथड को हम कहते हैं बूवो ब्लैंक रिडक्शन। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने सोडियम मेटल से रिएक्शन कराई, या सोडियम से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन इसका ये दे सकता है और वो इलेक्ट्रॉन
इधर हम देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड पे डबल बॉन्ड CO जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इसलिए सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। यहाँ हम देख रहे हैं कार्बन के पास में अब इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर ऑक्सीजन जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था ये अब इथेनॉल से रिएक्शन करेगा, इथेनॉल इथॉक्साइड आयन इसमें से निकल जाएगा और वो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पे आकर के ये हम देख रहे हैं इस तरह से ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन पर भी आके जुड़ जाएगा क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आकर के ये जुड़ जाएगा तो R2CHO ये हमारे पास बना। दोबारा से रिएक्शन होगी सोडियम के साथ, सोडियम फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन इस बार ऑक्सीजन को देगा और ऑक्सीजन को देने के साथ ही ऑक्सीजन पर लोन पेयर हो गया या इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ। दोबारा ये इथेनॉल से रिएक्शन करेगा, इथॉक्साइड आयन निकलेगा और हाइड्रोजन जो है वो इस बार ऑक्सीजन पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से बारी बारी से हम देखते हैं कि सोडियम पहले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगी क्योंकि वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, दूसरी बार में अल्कोहल वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा और अल्कोहल जो है वो अपना प्रोटॉन देगा या प्रोटॉन जो है अल्कोहल में से निकल करके कार्बन पे ऐड हो जाएगा, R2CHO बनेगा, फिर सेकेंड टाइम अगेन सोडियम और इथेनॉल ये रिएक्शन ऑक्सीजन पे शो करेंगे। तो इस तरह से रिडक्शन होकर के कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरो हाइड्राइड, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर सोडियम बोरो हाइड्राइड की स्ट्रक्चर और इसी तरह से ये गलती से लिख दिया यहाँ पे, ये है लिथियम, बोरोन की जगह इसको एल्यूमिनियम माना है मानेंगे हम और ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन हम कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में। तो हम देख रहे हैं RCHO की रिएक्शन हुई सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ वाटर की प्रेजेंस में और क्या बन गया, अल्कोहल। जैसे हम देख रहे हैं ये ब्यूटेनल हम ले रहे हैं CH3CH2CH2CHO, इसकी सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो CH3CH2CH2CH2OH, ब्यूटेनॉल जो है ये ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से ये हमारे पास में है 2-butanone या ब्यूटेन 2-on, ये भी सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा ब्यूटेनॉल 2 या 2-butanone में कन्वर्ट होता है। RCHO जिस तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में रिड्यूस होता है बिल्कुल उसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है रिडक्शन के द्वारा। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये जो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है और वाटर के साथ ये थोड़ी सी वॉयलेंट रिएक्शन होती है, तो इसकी वॉयलेंसी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को THF की प्रेजेंस में संपन्न करवाते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं, R2CO ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए और कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये जो BH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये आए कार्बन पे और CH बॉन्ड बना और इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण BH3 यहां पर जुड़ा, OBH3। अब ये अगेन इस तरह से रिएक्शन चलती जाएगी और बोरॉन के साथ जो है इस तरह से 4 बार जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है ये रिएक्ट करेगा, तो इस तरह से टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बोरॉन हमको मिला। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको अल्कोहल मिलेगा और H4BO4- चार्ज के साथ ये हमें एनायन
आयन मिलेगा। तो ये हमने देखा कि मैकेनिज्म किस तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन होती है, और ये मैकेनिज्म लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए भी बिल्कुल सिमिलर रहती है। नेक्स्ट है रिएक्शन बाय NaH, यानी कि हम जिस तरह से अभी हमने देखा कि हम इसको रिड्यूस करा सकते हैं सोडियम इथेनॉल के द्वारा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, नेक्स्ट इसी तरह से रिडक्शन हम करा सकते हैं सोडियम हाइड्राइड के द्वारा। फिर आता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे हम देख रहे हैं RCHO की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनमें से कोई भी कैटलिस्ट हम ले सकते हैं, तो हम देखेंगे कि एल्कोहल RCH2OH हमें मिलता है। इसी तरह से कीटोन्स यदि हम लें RCOR- और उसका भी निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम किसी भी कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट मिलेगा RCHOHR-, यानी कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो देंगे प्राइमरी एल्कोहल्स, जो कीटोन्स हैं वो देंगे सेकेंडरी एल्कोहल्स। इसी तरह से ये हम देख रहे हैं यहाँ पे पेंटेनल पेंटेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, और साइक्लोपेंटेनॉन जो है ये भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा साइक्लोपेंटेनॉल में कन्वर्ट होता है। तो ये हमने देखा कि एल्कोहल्स को किस तरह से हेलो एल्किन्स के द्वारा और उसके साथ ही कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन के द्वारा किस तरह से बनाया जा सकता है। थैंक यू।